अदालत से जमानत मिलने के बाद काफी समय से फरार चल रहे एक आरोपी को द्वारका जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को तकनीकी और मैनुअल निगरानी के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आरोपी की पहचान मुकेश कुमार निवासी उत्तम नगर के रूप में हुई है। द्वारका जिला के DCP अंकित सिंह ने बताया है कि घोषित अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम का गठन किया गया था। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए मुखबिरों को भी शामिल किया गया। इसी दौरान पुलिस को एक सूचना मिली। सूचना के अनुसार टीम उस स्थान पर पहुंची और मुखबिर की निशानदेही पर आरोपी को टीम ने पकड़ लिया। पूछताछ करने पर उसकी पहचान मुकेश कुमार के रूप में हुई है। अदालत ने उसे चोट पहुंचाने के मामले में जमानत मिलने के बाद मुकदमे से बचने के आरोप में भगोड़ा घोषित अपराधी करार दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। उस बदमाश को अदालत ने भगोड़ा घोषित किया हुआ था। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को उसकी सूचना मिल गई और पुलिस ने जाल बिछाकर उसको उसके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया और भेज दिया है जेल। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश आवर, टॉप स्टोरीज दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।